हेलो फ्रेंड्स, मैं शकीला और मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। गणेश चतुर्थी आने वाली है तो गणेश जी के लिए भोग बनाना तो घर पे बनता ही है। घर का बना भोग ज़्यादा शुद्ध और टेस्टी होता है। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं तो आज हम घर पर लड्डू बनाएंगे और ऐसी चीज़ों से बनाएंगे जो घर पर ईजिली हमें मिल जाए। तो घर की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बनने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एक बार इस लड्डू को ड्राई करके देखें। गेहूं के आटे के इतने टेस्टी लड्डू शायद ही आपने पहले कभी खाए होंगे। मैंने इसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 1.5 कप गेहूँ का आटा लेंगे। आप कप या कटोरी कुछ भी मेज़रमेंट के लिए ले सकते हैं। ये लगभग 2 से 3 चम्मच हमने देसी घी लिया है और इसमें हम दूध मिला देंगे। तो ये 1/4 कप मैंने दूध और घी को मिक्स करके लिया है, मतलब जो कप हमने लिया था उसका 1/4 हिस्सा हम इसमें डालेंगे दूध और घी मिक्स करके, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। हमें आटा गूंदना नहीं है, सिर्फ अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए इस तरह से हाथों से मल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसके ऊपर छलनी रख देंगे और इस आटे को हमें छान लेना है। अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है तो जिससे हम आटा घर पर अक्सर छानते हैं वो छलनी भी रह सकते हैं। इससे हम आटे को छान लेंगे। आटे को छानने से क्या होगा कि इससे हमारे आटे में बहुत ही अच्छा दाना पड़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी लड्डू हमारे बनेंगे। तो इसी प्रकार हम सारा आटा छान लेंगे। तो ये मैंने 2 बाउल में छाना है, अब इन्हें हम इकट्ठा कर लेते हैं। अभी हम आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले लेंगे। अगर आपने आटा थोड़ा लिया है तो छोटी कढ़ाई भी ले सकते हैं, ये 1.5 कप में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अब हम इस आटे को भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे इसके अंदर दाने हैं और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो फ्लेम पर हम इसे भूनते रहेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच घी की डालेंगे और इसे फिर से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। जिस कप से मैंने गेहूं का आटा लिया था उसी से 1 कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे। अब हम आटे में पिसी हुई चीनी मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची के दाने डाल देंगे। ये 3 चम्मच गर्म दूध है जिसमें मैंने केसर को भिगो कर रखा है। फ्लेम को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा चीनी को मेल्ट करने तक इसे चला लेंगे। इससे क्या है कि चीनी है वो बूरे जैसा टेस्ट देगी हमें, इसमें दाने से पड़ जाएंगे और ये बिल्कुल तगार जैसी हो जाएगी। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। जब चीनी थोड़ी सी पिघलने लगे तब हम इसमें दूध डाल देंगे। आप चाहें तो दूध वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और इसे सीधा ही भूनकर उसके बाद में आप फ्लेम को बंद कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें आप ये दूध वाला स्टेप यूज़ करें। इससे क्या होता है कि लड्डू है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतनी मेहनत करना चाहते हैं तो ये दूध वाला करें। इससे केसर का फ्लेवर भी आएगा लड्डू में, और नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे फिर से भूनना है क्योंकि दूध है उसकी वजह से इसमें जो गांठें पड़ जाती है वो पूरी तरह से इसमें खिल ना जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। तो अब हमने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। ये जो मलाई का घी होता है ना, हम मलाई को गर्म करके जो घी बनाते हैं वो वाला घी है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, सीधा घी भी डाल सकते हैं, या फिर ये मलाई वाला घी डाल दीजिए। और मलाई वाले घी की जगह आप अगर ये मावा जो इसमें दिख रहा है ना ब्राउन ब्राउन वो डालोगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा लड्डुओं का, बिल्कुल मावे का टेस्ट आएगा हमारे लड्डुओं में। और ये नहीं है तो आप नॉर्मल घी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। तो ये मैंने 3 चम्मच चीनी में 3 चम्मच पानी डालकर चाशनी बना ली थी। सिर्फ चीनी को अच्छे से पिघला लेना है और उसके बाद में हम इस आटे में इसे डाल देंगे। ऐसे करने से हमारे लड्डुओं में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। आप चाहें तो पहले जो मैंने घी डाला था मावे वाला वो भी स्किप कर सकते हैं और बिना घी के भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं।
अगर लड्डू आप गणपति के भोग के लिए बना रहे हैं तो घी ज़रूर डालिएगा। लड्डुओं का साइज छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद है वैसा रख सकते हैं, लेकिन बड़े लड्डू थोड़े अच्छे लगते हैं गेहूं के आटे के। और ये हमारे गेहूं के आटे के लड्डू तैयार हो चुके हैं, तो कितना आसान है इन्हें बनाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।